हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं दही के आलू, जिसको कि आप मठे के आलू भी बोल सकते हैं या फिर छाछ में ही बना सकते हैं। ये रेसिपी मेरे नाना जी की फेवरेट है, तो आज हम उसी को ट्राई करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून, पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले से उबाल के रखे ना आलू, तो उसमें डाल देंगे हम कटा हुआ दही। कटा हुआ फेंट के रखा हुआ जब इसमें खोल आएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि अगर पहले से नमक डाल देंगे तो ये दही फट जाएगा। इसको चलाते रहेंगे। इसमें डाल देंगे नमक, धीमी आंच पे थोड़ा खोला लें 10-12 मिनट तक। सब्जी आपकी रेडी। टिग्रेट आटा बन रही है, मल्टी आटा मलती हूँ, ये मैं मल्टी ग्रेन का आटा बना रही हूँ। जौ और गेहूँ, और ये है ज्वार, ये है जौ के सत्तू, जो सत्तू मिलते हैं बने हुए बाजार में। थोड़ा सा नमक बस अभिसार करके, और फिर इस सब्जी के साथ रोटी बना के बढ़िया आना। आराम से हाथ से, हल्के हाथ से धीरे धीरे बेली जाती है मल्टी ग्रेन की रोटी। ये बनी गैया की रोटी। और ये रोटी की पिटाई होते हुए, जैसे बचपन में बच्चों को ठोक पीट के अच्छा बनाया जाता है, वैसे इसी तरीके से आप अगर रोटी को पीटेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही नरम मुलायम बनेगी। और अगर अच्छे से नहीं ठोका पीटा तो कुरकुरी भी बन सकती है। दूर गाय की रोटी निकालना शुभ होता है, पहले गाय की रोटी निकालें, गौ माता को रोटी खिलाएं, फिर रोटी भगवान की।